टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तापमान की स्थिति का जायजा भी आपको देंगे, लेकिन आइए बुलेटिन की यहां पर शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। क्या कुछ खास गतिविधियां रह सकती हैं मौसम के हाल में, बताते हैं आपको। बता दें यहां पर शुरुआत में जम्मू कश्मीर का हाल, तो गिने चुने हिस्सों में यहां पर भारी बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके साथ ही आपको जानकारी दें कि अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, तो यहां पर इक्का दुक्का जगहों पर हल्की बरसात की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं अगर हम बात करेंगे यहां पर मध्य प्रदेश की, तो बता दें यहां पर कई स्थानों पर दिन जो है काफी ठंडा रह सकता है। जी हाँ, काफी ठंडक दर्ज की जा सकती है यहां पर। वहीं राजस्थान की बात करते हैं, तो छिटपुट इलाकों में यहां शीतलहर चलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। बता दें आपको कि क्या कुछ खास चेतावनियां यहां पर जारी की जा रही है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। देख सकते हैं आप यहां पर देश के अलग अलग क्षेत्रों को अंकित किया गया है। जी हाँ, पीला रंग जो है ये दर्शाता है कि इन इलाकों में आपको नजर बनाए रखनी है। यहां पर कोहरा छाया रह सकता है, शीतलहर चल सकती है, कहीं कहीं बरसात भी हो सकती है। देख सकते हैं पूर्वोत्तर में बरसात की संभावनाएं हैं, तो नजर बनाए रखनी है। वहीं अगर हम यहां पर बात करेंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर कोहरा रह सकता है, शीतलहर भी चल सकती है, तो ऐसे में ठंडक काफी रह सकती है, तो ऐसे में आप लोगों को नजर बनाए रखनी है। जी हाँ, बाकी अगर क्षेत्रों की बात करते हैं, तो इन इलाकों के लिए कोई चेतावनी यहां पर जारी नहीं की गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान। क्षेत्रवार आपको बरसात का हाल अब बता देते हैं। देख सकते हैं आप उत्तर पश्चिम भारत की अगर हम बात करते हैं, तो लद्दाख में बारिश हो सकती है कहीं कहीं, जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं बादल बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बाकी के क्षेत्रों की बात करें हम, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर हाल फिलहाल में बारिश की कोई भी संभावनाएं नहीं बनी हुई है। इन इलाकों में बादल नहीं बरसेंगे 1 से 2 दिन के दौरान। तो आपने जाना कि उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बरसात का हाल कैसा रहेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर की ओर बढ़ते हैं, तो देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। वहीं हम असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, उपमाले, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, तो यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि अन्य इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो बादल नहीं बरसेंगे। दक्षिण का रुख करें, देख सकते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहां पर बादल बरस सकते हैं, केरल में, तमिलनाडु में, पुदुचेरी में, तटीय आंध्र प्रदेश में, वहीं दक्षिण आंध्र कर्नाटक में, रायलसीमा में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। जबकि अगर हम यहां पर तेलंगाना की बात करें, तटीय कर्नाटक की बात करें, इसके साथ ही हम बात करें उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तो यहां पर बरसात नहीं होगी। नजर डालते हैं आप यहां पर हम पश्चिम और मध्य भारत पर। देख सकते हैं आप सभी जगहों पर यहां पर बरसात नहीं होगी, ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। कहीं भी यहां पर बरसात की संभावनाएं नहीं जताई जा रही हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। जहां इलाकों में आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान मौसम साफ ही बना रहेगा, बादल नहीं बरसेंगे। ये तो बात हो गई आगे की। अब पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा है मौसम का हाल बता देते हैं आपको। देख सकते हैं आप यहां पर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, साथ ही साथ हम उत्तराखंड की बात करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो यहां पर कोहरा छाया रहा है। जी हां, ठंडक रही है, कहीं कहीं शीतलहर भी दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में ठंडक दर्ज की गई है, कहीं कहीं कोहरा भी रहा है, तो कहीं शीतलहर भी दर्ज की गई है। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर का रुख करते हैं, देख सकते हैं आप उपमाले, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करते हैं, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। जी हां, इन इलाकों में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। दक्षिण की रुख करते हैं हम, तटीय आंध्र प्रदेश देख सकते हैं, रायलसीमा, वहीं दक्षिणी आंध्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी की बात करें, तो यहां पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है। जी हां, इन इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं, तो ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा।
बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हम पश्चिम भारत की, मध्य भारत की, दो देख सकते हैं, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, विदर्भ की बात करें, तो यहां पर शीतलहर चली है। जी हां, यहां पर ठंडक ज्यादा रही है और कोहरा भी कहीं कहीं छाया रहा है। तो ऐसे में यही जानकारियां मिल रही है कि इन इलाकों में शीतलहर पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। तो जाना आपने बरसात के हाल के बारे में, पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास गतिविधियां रही हैं मौसम के लिहाज से, आगे बताएंगे आपको तापमान का हाल, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोलो ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी, जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुँह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल, जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़, ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले बरसात का हाल देश भर में किस प्रकार बना हुआ है, आगे कैसी संभावनाएं हैं आपने जान लिया, अब बारी आती है तापमान का हाल जानने की। तो पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में तापमान का हाल कैसा रहा है, आइए बताते हैं आपको। शुरुआत यहां न्यूनतम तापमान के हाल से, देख सकते हैं आप, हम यहां पर बात करेंगे गंगे पश्चिम बंगाल की, वहीं त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के साथ साथ नागालैंड की बात की जाए तो यहां पर न्यूनतम तापमान जो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य के मुकाबले। वहीं अगर हम बात करते हैं यहां पर तमिलनाडु और रायलसीमा की तो देख सकते हैं यहां पर भी ऐसा ही हाल रहा है, 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले। वहीं अगर हम रुख करते हैं यहां पर असम मेघालय का तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी हां, यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। वहीं सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जी हां, हम ये आपको मैदानी इलाकों की बात बता रहे हैं, सबसे कम तापमान सीकर में रहा है 1.8 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम तापमान के बारे में बताएं तो केरल में अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है और लक्षद्वीप में भी ऐसा ही हाल रहा है। जी हां, यहां पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान के हाल में। वहीं हम बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली का हाल, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर परिस्थितियां विपरीत रही हैं। 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ ही अगर हम बढ़ते हैं आगे और यहां पर बात करते हैं, हम देख सकते हैं आप झारखंड की बात करते हैं, साथ ही अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर भी 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं अगर हम बात करेंगे
जाएंगे गुजरात की विदर्भ की, तो यहां पर भी ऐसा ही हाल रहा है। यहां पर भी 5 डिग्री तक कम रहा है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले, जी हां 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगर हम बढ़ते हैं आगे बात करते हैं उत्तराखंड की, तो आप देख सकते हैं यहां पर दर्शाया जा रहा है कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा है अधिकतम तापमान। यहां पर 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। वहीं आप देख सकते हैं हम बात करेंगे ओडिशा की और बिहार की, तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहां पर भी कमी रही है अधिकतम तापमान में सामान्य के मुकाबले। और वहीं अगर हम बात करते हैं यहां पर सौराष्ट्र कच्छ की, साथ ही साथ मराठवाड़ा की, मध्य महाराष्ट्र की, छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं आपको हम हाल बता दें यहां पर लद्दाख का, वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तो यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। जहां 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट यहां पर देखने को मिली है पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में। वहीं आपको बता दें कि अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो तटीय कर्नाटक में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि सबसे ज्यादा पारा जो है केरल के कोट्टयम में रहा है, देख सकते हैं 35.2 डिग्री सेल्सियस यहां पर पारा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने न्यूनतम तापमान की बात हो अधिकतम तापमान की बात हो, तो पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की परिस्थितियां रही हैं। ये तो बात हुई क्षेत्रों की, अब मुख्य शहरों में कैसा हाल बना हुआ है इसके बारे में जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो आइए दिखाते हैं कैसा बना हुआ है देश के अलग अलग मुख्य शहरों में तापमान का हाल। शहरों में कैसा है अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल अभी आपने जान लिया। तापमान के हाल के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर ली। आगे आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता और पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। बात खेती किसानी की भी होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मजाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पेमेंट फेल लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 925 जॉब, अरे 529 जॉब, भागदौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक
के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बरसात और तापमान का हाल तो आपने जान लिया, लेकिन अब बारी है वायु गुणवत्ता का हाल जानने की। अलग अलग क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का हाल किस प्रकार बना हुआ है, आइए आपको बताते हैं। और यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे, आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में देख सकते हैं 291 बना हुआ है गुणवत्ता सूचकांक, जो कि खराब की श्रेणी में यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। वहीं लखनऊ की बात करें 187 है, जो कि संतोषजनक है, लेकिन परिस्थितियां सुधारी जा सकती है। वहीं हम आपको बता दें पटना का हाल, तो यहां पर भी संतोषजनक परिस्थितियां बनी हुई है, 171 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया जा रहा है। वहीं बंगलुरु की बात करें तो यहां पर अच्छी है परिस्थितियां, 74 गुणवत्ता सूचकांक यहां पर दर्ज किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, पुणे की बात करें 268 यहां पर बना हुआ है गुणवत्ता सूचकांक, जो कि थोड़े खराब की श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। जी हां, पुणे में भी हालात अच्छे नहीं है। हैदराबाद की बात करें संतोषजनक है परिस्थितियां, 169 यहां पर गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया जा रहा है। वहीं कोलकाता की बात करते हैं देख सकते हैं आप 277 गुणवत्ता सूचकांक है, जो कि संतोषजनक परिस्थिति में यहां दर्ज किया जा रहा है। अब बारी आती है पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में जानकारी हासिल करने की, तो आंध्र प्रदेश के अमरावती से यहां पर शुरुआत कर लेते हैं। देख सकते हैं आप शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को बादल नहीं बरसेंगे, लेकिन बादल छाए रह सकते हैं हल्के ही। आप अधिकतम तापमान का हाल देखिए 32 और 33 के बीच में बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट है, 18 से 17 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है अगले 4 दिनों के दौरान। बरसात की संभावनाएं नहीं है अमरावती की, हम यहां पर बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के। असम के सिलचर की बात करते हैं, देख सकते हैं आप शुक्रवार और शनिवार को यहां पर धुंध रह सकती है, कोहरा रह सकता है, आप कह सकते हैं बादल छाए रह सकते हैं, जबकि रविवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। वहीं सोमवार को परिस्थितियां पलट रही हैं, बारिश हो सकती है, यहां पर बरसात की संभावनाएं बनी हुई है। अधिकतम तापमान 26 से 22 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी है, 12 के बाद 15 पहुंच रहा है न्यूनतम तापमान यहां पर सोमवार को। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो शुक्रवार को यहां पर हल्की धुंध रह सकती है, कोहरा रह सकता है, जबकि शनिवार, रविवार और सोमवार की हम बात करते हैं तो मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, बादल भी नहीं छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 15 से 17 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में केवल 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो रही है, 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है यहां पर अधिकतम तापमान। तो ज्यादा कोई बड़ा बदलाव नहीं है, मौसम यहां पर साफ ही बना रहेगा। वहीं बढ़ते हैं आगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करते हैं, देख सकते हैं आप शुक्रवार को यहां पर बादल छाए रह सकते हैं, जबकि शनिवार और रविवार को यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रह सकता है, जबकि सोमवार को फिर से वही हालात हैं, बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 11 से 9 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में कोई भी बदलाव नहीं है, चारों ही दिन -1 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना यहां पर जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। वहीं बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मध्य प्रदेश के सांची की, तो देख सकते हैं आप शुक्रवार और शनिवार को यहां पर शीतलहर चल सकती है, जी हां काफी ठंड यहां पर दर्ज की जा सकती है। वहीं रविवार सोमवार को यहां पर कोहरा हम कह सकते हैं छाया रह सकता है, बादल छाए रह सकते हैं, तो ऐसे में आप सतर्क रहिए। 19 से 23 पहुंच रहा है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक का सफर यहां पर तय कर रहा है पारा। वहीं बढ़ते हैं आगे महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर हम नजर डालते हैं, देख सकते हैं चारों ही दिन यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, ना बादल छाएंगे ना ही बरसात होगी यहां पर। अधिकतम तापमान 24 के बीच में बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, तो यहां पर ना बादल बरसेंगे ना बादल छाए रहेंगे, मौसम बिल्कुल सुहाना और शुष्क बने रहने के आसार बने हुए हैं अगले 4 दिनों के दौरान। वहीं बढ़ते हैं आगे मणिपुर के इम्फाल की बात करते हैं, तो देख सकते हैं शुक्रवार को बरसात हो सकती है, शनिवार रविवार को बादल छाए रहेंगे, बरसात नहीं होगी, जबकि सोमवार को फिर से हालात बरसात के यहां पर बने हुए हैं, बादल बरस सकते हैं। अधिकतम तापमान 21 से 19 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है सोमवार को, तो यहां पर थोड़ा बदलाव तापमान में जरूर है और आप देख सकते हैं बरसात में भी यहां पर अलग हालात बने हुए हैं। ओडिशा के पुरी की बात करते हैं, शुक्रवार को यहां पर कोहरा छाया रह सकता है, जबकि शनिवार, रविवार और सोमवार को मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, ना बादल छाएंगे ना बादल बरसेंगे। अधिकतम तापमान 26 से 27 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में थोड़ा बदलाव है, 15, 14, 13, 14 बना हुआ है अगले 4 दिनों के दौरान, 1-1 डिग्री का यहां पर अंतर हम देख सकते हैं, इसकी संभावनाएं जताई जा रही है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं आप शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहां पर कोहरा छाया रह सकता है,
बादल भी छाए रह सकते हैं, जबकि सोमवार को यहाँ पर बादल बरसने की संभावनाएं बनी हुई है। तो ऐसे में आप सावधानियां जरूर बरतें। 14, 15, 16 यहाँ पर अधिकतम तापमान बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 5, 6 और 7 यानी कि 1 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। तो यहाँ पर सोमवार को जरूर बादल बरस सकते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल पर अगर हम नजर डालते हैं तो देख सकते हैं आप चारों ही दिन यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, बिल्कुल शुष्क मौसम रहने की संभावनाएं बनी हुई है। 9, 12, 13, 12 यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान, जबकि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी है, 0 से 1 फिर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है न्यूनतम तापमान। बरसात नहीं होगी, न ही बादल छाए रहेंगे, ठंड जरूर रह सकती है क्योंकि तापमान में थोड़ी कमी है, ज्यादा बढ़ा हुआ यहाँ पर तापमान नहीं है। तो अगले 4 दिनों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो किस तरह का माहौल रह सकता है मौसम के लिहाज से, अभी आपने जान लिया। तो ये तो बात हो गई मौसम के हाल की, अब आपको बता देते हैं थोड़ी बहुत बातें खेती किसानी के लिहाज से। जी हाँ, इस मौसम में बहुत सारी फसलें हैं जिनकी आप बुआई और रोपाई कर सकते हैं, साथ ही जो फसलें आपके खेतों में लगी हुई हैं उनकी देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। तो किस तरह से आप प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। पंजाब में गेहूं की बुआई करें, गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं, गेहूं के खेत में गुड़ाई करते रहे, किसान गन्ने के खेत से खरपतवार निकाले, इसके साथ ही सरसों के खेत में जरूरी उर्वरक डाले, सरसों के खेत में सिंचाई करते रहे, पंजाब में खीरे की बुआई कर ले, यहाँ के किसान मूली के खेत में सिंचाई करे, अभी आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के, इसके साथ ही अंगूर की रुपाई कर ले, पंजाब में नाशपाती की रुपाई कर सकते हैं, इसके अलावा प्याज की रुपाई करें, वहाँ के किसान धनिया और मेथी की बुआई करते रहे, उत्तर प्रदेश में लहसुन की बुआई कर ले, किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई करे, साथ ही टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहे, यही आलू के खेत में सिंचाई करते रहे, इस समय प्याज के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले, प्याज के खेत में सिंचाई करे, वही गेहूँ के खेत में सिंचाई करते रहे, गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, गेहूं के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं, इस समय आम के बागों में निराई और गुड़ाई कर लें, आम के बागों में जरूरी उर्वरक डालें, यहां के किसान सरसों के खेत में सिंचाई करें। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जाना कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के खासतौर पर हमारे जो किसान हैं वो अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, तमाम तरह की फसलें हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं बुआई या रोपाई के लिए, नए बाग भी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी आपने विस्तृत जानकारी हासिल कर ली कृषि कार्यों के संबंध में, साथ ही आपको बता दें कि ये जो समय है पालक की खेती के लिए भी काफी उपयुक्त है, पत्तेदार सब्जी है पालक, इसकी खेती आप करते हैं तो अच्छा उत्पादन हासिल करके, अच्छी उपज जब आप हासिल करते हैं तो अच्छा मुनाफा आपको यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आप समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह लेंगे, उसके अनुसार इसकी खेती करेंगे। तो क्या है इसकी खेती करने का सही तरीका, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है, पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है, मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है, वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं, किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं, अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है, इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें, पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें, खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें, पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए, पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो, वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है, लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें, ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें, पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है, इसे कई बार काटा जा सकता है।
तो पालक का अच्छा उत्पादन आपको कैसे हासिल करना है अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया। तो ये तो बात हो गई खेती किसानी और मौसम के हाल की, और इसके साथ बता दें आपको मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक विशेष जानकारी आप तक जरूर पहुंचा दें। मौसम का हाल आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। जी हाँ, टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। जानिए देश के अलग अलग मौसम के हाल के बारे में, क्षेत्रों के मौसम के हाल के बारे में मौसम खबर के साथ। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।